हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट सुदोष किशन हरिचंद्रन, लेके हूं आज आपके लिए एक और अनबॉक्सिंग वीडियो। तो यहां पर मेरे पास एक और बड़ा सा पैकेज है जो डिलीवर हुआ है मुझे। एक्चुअली कल डिलीवर हुआ था, एक दिन मैंने इसे रखे दिन दिया है बाहर। तो यहां पर ये बड़ा सा पैकेट है, इसमें काफ़ी सारी किताबें नहीं है, इसमें सिर्फ एक किताब है और मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है काफ़ी सारी किताबें। तो इसमें है महाभारत का कलेक्टर एडिशन अमर चित्रकथा द्वारा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए इसको जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं, अनरैप कर लेते हैं और देखते हैं क्या किस तरीके की किताब है ये। हार्ड कवर हिंदी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने वही मंगाई है। अभी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा उसकी सोशल मीडिया पे, ग्रुप्स वगैरह पे बूम हो रही है, हर कोई उसी किताब को ऑर्डर कर रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस किताब को मंगाऊँ, क्योंकि ये कलेक्टेबल आइटम है, ऐसे हमेशा नहीं रहेगा। कुछ एक कॉपी उन्होंने प्रिंट की है अमर चित्रकथा वालों ने, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे मंगा लिया जाए। तो ये लीजिए, फटाफट से इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये लीजिए और ये देखिए दोस्तों, महाभारत, शानदार। बिल और बाकी चीज़ों को हम अलग रख देते हैं। ये देखिए महाभारत, अब थोड़ा क्लोज से दिखा देता हूँ इसको। पहले हम खोल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए तीन किताबें हैं, बहुत भारी है ये महाभारत। और ये इसका फ्रंट है, बहुत बेहतरीन। तो इसको खोल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो खोलने में इसको थोड़ा सा, इसकी पन्नी को क्या थोड़ा सावधानी से खोलूँगा। तो मैं खोल लेता हूँ इसको, बहुत ही भारी है। इसमें तीन किताबें हैं महाभारत की, मैं दिखा देता हूँ। ये लीजिए, इसको निकाल लेते हैं पहले एक बारी। इसका फ्रंट है, ये इसकी स्पाइन है, कैमरे में पूरी नहीं आ रही है, महाभारत। और ये इसका बैक है, और इन किताबों को निकाल लेते हैं और इस बॉक्स को मैं साइड में रख देता हूँ, यहाँ रख देते हैं। ये लीजिए, अब किताब मैं दिखा देता हूँ आपको कौन कौन सी है। तीन खंडों में है ये पूरी अमर चित्रकथा। ये देखिए महाभारत, अमर चित्रकथा का लोगो जो है, यहाँ पर फॉइल स्टैम्प है। ये देखिए, के अलावा महाभारत कुरु राजकुमार। तो यहाँ पर जो ये है, जो धनुष बाण वगैरह हैं, इनको थोड़ा सा फॉइल, ये देखिए यूवी क्यूवी है इनके ऊपर, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, उसके अलावा नाम में महाभारत में भी यूवी क्यूवी है, कुरु राजकुमार, और इसका जो लोगो है इसको फॉइल स्टैम्प किया हुआ है। सेम वही इसकी स्पाइन और इसका बैक। बात करें दूसरे इश्यू की, तो वो भी सेम है, पांडवों का वनवास। इसको रीकलर किया हुआ है पूरी किताब को, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक कंप्यूटराइज्ड कलर इसमें किए हुए हैं। दूसरा और तीसरी ये है कुरुक्षेत्र की रणभूमि, बहुत ही बेहतरीन। ये देखिए बहुत ही शानदार, वही बहुत ही बढ़िया है, हार्ड कवर है। और अंदर के आप मेरे हिसाब से कदम साहब ने बनाए होंगे, दिलीप कदम जी ने, देख लेते हैं किसके आर्ट हैं, किसकी कहानी है। मैं थोड़ा सा कैमरे को क्या थोड़ा नीचे कर देता हूँ, इसे आप लोगों को एक एक करके सारी बुक देखने को मिल जाए। और थोड़ा सा इसको लेंस को जूम कर देता हूँ, देखिए ये लीजिए, ये सेट है। हाँ, तो ये कदम जो हैं उन्हीं का है, इसमें चित्र दिलीप कदम और संपादन अनंत पाई, अनंत पाई जी का संपादन है और दिलीप कदम साहब के चित्रांकन है। दिलीप कदम जी वोकाल भी, राजकुमार का जो वोकाल है उसके भी चित्र बनाते हैं, देखिए ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है, पेपर जो है वो ग्लॉसी नहीं है, ये देखिए पेपर जो है वो ग्लॉसी नहीं है, नॉर्मल पेपर है, लेकिन ये पेपर अच्छा लगता है। ग्लॉसी पेपर में होता क्या है, अगर आपकी किताब हल्की सी भी भीग जाए तो वो पेज आपस में चिपक जाते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें पेज जो हैं वो चिपकते नहीं हैं मेरी जी। तो इस तरह से कुछ है, इसका जूम थोड़ा सा मैं सेट कर देता हूँ। ये लीजिए, तो इस तरीके से कुछ किताब है, अध्याय दिए हुए हैं अलग अलग, और उन अध्याय की इंडेक्सिंग भी यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर 29 से लेके
मतलब 29 से लेके 42 अध्याय इसमें दिए हुए हैं, और बाकी के अध्याय मेरे हिसाब से ये दूसरी किताब में दिए होंगे, मैं दिखाता हूँ। तो ये तीन हार्ड कवर में ये किताब है महाभारत की जो है, ये देखिए ये पहला अध्याय है मेरे हिसाब से, मतलब इसमें पहले से लेके अध्याय हैं, देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं। एक्चुअल में कैमरे में पूरी आ नहीं पा रही है, फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को जितनी हो सके उतनी दिखा दूँ। तो ये है फ्लैट कलरिंग की हुई है इसके अंदर, क्योंकि ये काफ़ी पहले की हुई है, काफ़ी पुरानी किताबें हैं तो इसमें फ्लैट कलरिंग है, कंप्यूटराइज्ड कलरिंग नहीं है। पहले की कॉमिक्सों में, जैसे पुरानी कॉमिक्स हैं ये मौजूद कथा की, तो पहले की कॉमिक्सों में फ्लैट कलरिंग ही चलती थी। और इस पूरी किताब में कदम साहब का यहाँ पर एक अच्छा सा बुकमार्क दिया हुआ है, ये देखिए कदम साहब का इसमें चित्रांकन है, बहुत ही विख्यात चित्रकार हैं कदम स्टूडियो, दिलीप कदम। तो ये है, तो एक क्विक सी मेरे को किताब आई थी, मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को दिखा दूँ ये क्विक सी अनबॉक्सिंग, क्योंकि अभी ग्रुप्स में देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने इसको ऑर्डर किया है, और अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसका जो परचेज लिंक है वो मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। हालांकि ये किताब 2200 रुपये के आसपास मिल रही है अभी, लेकिन मुझे ये 2200 रुपये की नहीं पड़ी है, मुझे ये पड़ी है तकरीबन 1475 रुपये की, तो काफ़ी सस्ती पड़ी है ये मेरे को, क्योंकि 2200 रुपये इसकी MRP है। तो मैं इसको वापस से पैक करके दिखा देता हूँ आपको, ये तीनों हैं हार्ड कवर हैं, कलेक्टेबल आइटम है, जिसको चाहिए वो ख़रीद सकता है, मैं अमेज़न का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप इसे परचेस कर लिए। तीन हार्ड कवर हैं जो इस एक हार्ड बाउंड में जाते हैं इस तरीके से, या फिर इस तरीके से भी आप रख सकते हैं। ये लीजिए, तो ये इस तरीके से कुछ, ये हैं तीन महाभारत, देखिए इस तरीके कुछ एक किताब है, मोटा सा बॉक्स सेट है, और ये इसका ओवरऑल पूरा एक कलेक्टर एडिशन बन जाता है हार्ड कवर, ये देखिए। तो ये एक क्विक सी अनबॉक्सिंग थी, जो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को शेयर की जाए, मैंने एक किताब मंगाई है तो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए इस किताब को। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, क्विक सी अनबॉक्सिंग मैंने की है। अगर आपको ये किताब ख़रीदनी है तो मैं उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा यहाँ पर, तो आप वहाँ से जाके अमेज़न का लिंक दिया हुआ है वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। मेरे हिसाब से काफ़ी लिमिटेड कॉपीज़ उन्होंने प्रिंट की हैं, तो हो सकता है अगर ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो ये वाला कलेक्टर एडिशन शायद ही ये लोग निकालें दोबारा, क्योंकि एक तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, दूसरा काफ़ी हैवी है, और तीसरा इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट वगैरह होती है। तो मेरे हिसाब से दोबारा शायद अमर चित्रकथा इसको ना पब्लिश करे, हालांकि वही डिलीवरी का चक्कर है इसके अंदर भी, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो है, ये देखिए ये ढंग से नहीं आया है, मतलब वही डिलीवरी का, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ मार्क आया, और सबसे बड़ी चीज़ ये यहाँ पर है, ये देखिए फट गया यहाँ से पेपर, ये देखिए क्या करें आप, थोड़ा बहुत यहाँ पर भी है ये देखिए, लेकिन इतनी हैवी बुक है तो हो जाता है, क्या करें। ऐसी बहुत सारी किताबें आती हैं और काफ़ी दिल दुखता है कि यार इतना पैसा खर्च करके हम कोई किताब मंगा रहे हैं और वो इस तरीके से कंडीशन में आती है, मतलब 1500 रुपये की किताब है तो कम से कम अच्छे ढंग से देनी चाहिए थी, लेकिन अभी मेरे को 1500 में मिल गई है। अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो 2200 रुपये के आसपास ये पड़ेगी। तो बस दोस्तों यही था इस वीडियो के लिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।